अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 15x45 का हाउस डिजाइन, 15x45 फीट। इसमें हमें दो बेडरूम प्लस बाथ एंड लैट्रिन, किचन, डाइनिंग, पूजा रूम प्लस स्टेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिजाइन। डिजाइन में क्या क्या है तो आपको देखने को बाद यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहले जो पार्ट है यहाँ पर बिल्डिंग का। यहाँ पर एक रूम, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर भी रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद यहाँ पर जो जगह है ऐसे रहेगा। नेक्स्ट हमें इधर भी इतना जगह मिलेगा, उसके बाद इधर से हमें पूरा ऐसे लेकर आना है और इसके अंदर से हमें ऐसे गेट ऐड करना है, एंट्री। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो डिजाइन है इसका डिटेल्स और यहाँ पर हमें ऐसे मिलेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें ऐड करना है इसका जो इसका जो वॉल पहला पार्ट है यहाँ पर इसका वॉल, उसके बाद इसका डोर यहाँ पर वॉल ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर भी हम वॉल ऐड करेंगे यहाँ पर वॉल, और इधर हमें वॉल दिखने को मिल जाएगा इधर और उधर। इसके अंदर हमें जो क्रिएट करना है इसका स्टेयर, ट्रेड और राइजर हम यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करेंगे, तो आपको एक अच्छा सा आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद ऐसे इधर से आप ऐसे रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वॉल आएगा, तो इसके बाद इधर हम डोर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी हम वॉल क्रिएट करेंगे यहाँ पर ऐसे डोर, इसका भी वॉल इसके अंदर हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम इधर तक ऐसे रखेंगे यहाँ पर डोर क्रिएट करेंगे। ओके, ऐसे करके फर्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर हमने कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर करना है इसका वॉल यहाँ पर ऐड करना है, जिस आपको इसका जो वॉल है इसका अंदर का जो पार्ट है यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। इधर भी रहेगा, इधर यहाँ पर पार्टीशन वॉल यहाँ पर भी इधर ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर 125 mm का हम वॉल यहाँ पर क्रिएट किया है। इसके अंदर जो रेलिंग है इसको यहाँ पर हम सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है इसके अंदर, इसका जो विंडो है यहाँ पर ऐसे सेट करना है
ऐसे 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 ओके, यहाँ पर ऐसे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे, नेक्स्ट हम इसको हम फिनिशिंग करेंगे इधर। यहाँ पर विंडो आएगा, यहाँ पर वेंटिलेटर विंडो, यहाँ पर वेंटिलेटर, यहाँ पर विंडो, यहाँ पर विंडो, यहाँ पर 15 फीट 0 इंच एंड 45 फीट 0 इंच। तो इसका जो डिटेल्स है, यहाँ पर बेड, यहाँ पर बेडरूम, किचन, यहाँ पर डाइनिंग, यहाँ पर 4 फीट 9 इंच वाइड पैसेज, यहाँ पर डोर, बाथ प्लस लैट्रिन, पूजा रूम आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद यहाँ पर स्टेयर प्लस सीट आउट एरिया, यहाँ पर गेट ओके, यहाँ पर डोर। उसके बाद देखिए ऐसे हम कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐसे आएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पर तो इधर भी एक कॉलम हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 9 फीट और यहाँ पर 12 फीट, यहाँ पर 11 फीट, 9 फीट, यहाँ पर 6 फीट, 7 फीट। तो ये जो लाइन है इसके हिसाब से हमने यहाँ पर मेजरमेंट ऐड किया है, 7 फीट 9 इंच एंड 7 फीट, यहाँ पर 8 फीट 6 इंच और यहाँ पर 3 फीट 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 4 इंच लॉबी ओके, यहाँ पर 3 फीट पूजा रूम। इसका मेजरमेंट 7 फीट 6 इंच, 4 फीट, यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन 4 फीट 9 इंच एंड 7 फीट कॉलम 10 बाई 10 इंच का कॉलम वॉल, आउटर वॉल 5 इंच, यहाँ पर आउटर वॉल, इंटरनल वॉल 5 इंच, यहाँ पर रहेगा इंटरनल वॉल 5 इंच। तो इसके लिए हमें जो डिटेल्स यहाँ पर हमने किया है, तो बिल्डिंग का जो टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका कितना एरिया आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेट करेंगे, 675 स्क्वायर फीट, 675 स्क्वायर फीट। तो बिल्डिंग का कॉस्टिंग कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए हम अगर कॉस्ट के बारे में बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
675 × 1500 पर स्क्वायर फीट में आप इंटू कर सकते हैं। तो इसका टोटल स्क्वायर फीट यहाँ पर आएगा, हम इसके साथ अगर 1500 इंटू करेंगे तो यहाँ पर टोटल आएगा 10,12,500 रुपीज। तो वन जो है इसका ब्रिक्स, कितना नंबर ब्रिक्स, 2 सैंड, 3 सीमेंट, 4 रेनफोर्समेंट या सीरिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर गिट्टी या मोटर 6, मैशन कॉस्ट। उसके बाद देखिए वॉश प्लस कलर, डोर प्लस विंडो, टाइल्स प्लस इलेक्ट्रिक एंड सॉरी 8, 9, 9। तो उसके बाद इसका प्लम्बिंग कॉस्ट, इतना कुछ लेकर ये जो डिजाइन है इसको हमने यहाँ पर इतना क्लास भी सबको लग जाएगा। ठीक है, तो यही था प्लान और डिजाइन। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।